सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। धन्यवाद हे प्रभु तेरा, धन्यवाद हे प्रभु तेरा, हम करते बारंबार बीचों का कार्य सूचित करके निकट से हमको करते प्यार प्राण वायु इनसे मिल पाई भोजन जल की है बहुताई बुद्धि स्वच्छ होकर हर्षाई मिले प्रभु प्रेम का अद्भुत संसार। धन्यवाद हे प्रभु तेरा करते बारंबार करो साय हमारी ऐसी सत्यम शिवम सुंदरम जैसी जाए छोड़कर भले सभी हम सदा चले व्यवहार। धन्यवाद हे प्रभु तेरा करते बारंबार प्रणाम करते हैं और इनको स्थापना। पलामू परमंडलीय मुख्यालय के केंद्रीय कारा को ग्रीन कारा बनाने के उद्देश्य से बुधवार को विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्म व बनराखी मूवमेंट के प्रनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने परिसर में फलदार पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों ने राष्ट्रीय गान एवं पर्यावरण धर्म के प्रार्थना के साथ पौधारोपण किया। पर्यावरणविद श्री कौशल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों की शपथ दिलाई। वहीं अपने संबोधन में बतौर मुख्य अतिथि पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने बताया कि उनके द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण व रोपण के 53वां वर्ष और पर्यावरण धर्म व बनराखी मूवमेंट के 43वां वर्ष पूरा होने के उपरांत देश के 10 राज्यों में अभियान चलाकर 2,00,000 निःशुल्क पौधा वितरण और रोपण किया गया है। वे पर्यावरण धर्म पर गोष्ठी का आयोजन कर पर्यावरण धर्म की शपथ दिलाते हुए पर्यावरण की पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कारा में एक जगहों पर करीब 1,500 से 2,000 लोग रहते हैं। उस परिसर को प्रदूषण मुक्त नहीं बनाया गया तो उसमें रहने वाले इसी समाज के लोग हमेशा कई बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि उस परिसर को पौधारोपण कर प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। उन्होंने ग्रीन कारा के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इसी उद्देश्य को लेकर पर्यावरणविद ने उस परिसर में 1,000 पौधा लगाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत कर दी गई। पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने आगे कहा कि लोगों को अभी मानव रूपी शत्रु से आजादी मिली है, प्रदूषण नामक शत्रु से नहीं। जिस तरह हमारे देश के वीर जवानों ने एकजुट होकर देश को आजादी दिलाई है, उसी तरह हम लोगों को एकजुट होकर प्रदूषण नामक शत्रु को पौधा रूपी मिसाइल से खत्म करना होगा और इसका संकल्प भी लेना होगा, तभी संभव हो पाएगा जब सारे लोग एकजुट होकर पौधा लगाकर और उसे बचाएंगे। श्री जायसवाल ने यह भी कहा कि जिस तेजी से जनसंख्या की रफ्तार बढ़ रही है, उससे 10 गुना वृक्षों की संख्या का रफ्तार प्रतिवर्ष बढ़ाने होंगे। पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने आगे कहा कि सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करने की जरूरत है। उनके उपयोग से प्रकृति का शोषण पर लगाम तो लगेगा ही, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा और प्रदूषण भी कम होंगे, जिससे जल संकट और ऑक्सीजन संकट भी दूर होंगे। मौके पर जेल अधीक्षक प्रवीण कुमार ने कौशल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जेल के लिए यह अच्छी शुरुआत है, यह अभियान पूरे झारखंड के जेलों में चलाने की जरूरत है। पौधारोपण के समय केंद्रीय कारा के अधीक्षक प्रवीण कुमार, जेलर प्रमोद कुमार, विनोद यादव, दामोदर चौधरी समेत कई जेल कर्मी मौजूद थे। तो पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र को अपनाना होगा। पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर कोई भी शुभ कार्य पर पौधा लगाए और उसके बच्चे की तरह बचाए। जन कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना है, लाचार है, बीमार है, उसकी सेवा कर देना। तीसरा जल, जंगल, जमीन, जानवर, पक्षी और प्रकृति के बचाने का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के मैंने आज मेरे द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण सह रोपण के 53वां साल, पर्यावरण धर्म और बनराखी मूवमेंट के 43वां साल पूरा होने के उपरांत इस पर नेपाल भूटान समेत देश के 10 राज्यों में 2,00,000 निःशुल्क पौधा वितरण सह रोपण
पर्यावरण धर्म प्रगोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसी के कड़ी में अब तक जिसका उद्घाटन छतरपुर के डाली ग्राम पंचायत डाली के कौशल नगर से 1 जुलाई को कर दिया गया है, जो अभी तक देश में 4 राज्यों के में 20 जिलों में अब तक कार्यक्रम किए जा चुके हैं। उसी के कड़ी में झारखंड के पलामू जिले के जेल बाउंड्री के अंदर जो है हम लोग पौधा लगा रहे हैं और संकल्प लेते हैं कि आज से हम लोग पौधा लगाने के, बचाने का और इसके प्रचार करने का उद्देश्य इस बात का है कि प्रत्येक व्यक्ति इसको लगाएं और दूसरों को लगवाएं। वृक्षारोपण आज की आवश्यकता है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कौशल किशोर जी के साथ कि 1000 पौधों का वृक्षारोपण अभी कारा में हम लोग करेंगे, कारा के अंदर और कारा के बाहर। ये एक काम से मतलब कैसा एहसास की सहायता एक खुशनुमा एहसास होगा प्रकृति के बीच रहने का, प्रकृति को जो हम लोगों ने तबाही के कगार पर हम लोग ले आए हैं, कम से कम इसमें भागीदारी हो कि हम लोग संरक्षण करें प्रकृति का, एक अच्छा एहसास है। सुखद भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है और आगे सभी को भविष्य के लिए बरसा समय पर आए, मतलब एक ग्रीन जेल जिसको कहते हैं, ग्रीन जेल बनाने का प्रयास चल रहा है। प्रयास है आई तो पलामू जिले के जो सेंट्रल जेल है इनको ग्रीन जोन ग्रीन जेल बनाने का मेरा प्रयास है, जो हमारे पूरे को ग्रीन बेल्ट और से बात हुई है और ये तो मेरा प्रयास कितना 53 साल से चल रहा है पूरा देश दुनिया में, नेपाल भूटान समेत देश के 30 राज्यों में हमने इस कार्यक्रम का अभियान की शुरुआत किया है 1 जुलाई से डाली पंचायत से और ये अभियान देश के 4 राज्यों में अब तक बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड 5 राज्यों में हमने अब तक 20-22 जिला में अब तक कार्यक्रम कर चुके हैं। 2 लाख निःशुल्क पौधा वितरण करने का इस सरकार का योजना है, उसी के तहत में आज पलामू जिले के सेंट्रल जेल में हम लोग ग्रीन जेल बनाने का जो प्रयास है और पदाधिकारियों का जो सहयोग है मैं बधाई देता हूँ यहाँ के जिला साहब और पदाधिकारी हैं, बधाई देता हूँ कि अच्छा बात है कि जब तक भोजन तो ठीक बात है लेकिन शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हमारे जो कैदी हैं वो हमेशा बीमार रहेंगे, तो उनको स्वस्थ कैसे रहेंगे जब शुद्ध हवा मिलेगा। 100 दवा खाने से बेहतर है कि 2-4 पौधा लगाना जरूरी है। अभी यहाँ तो लगता है कि 750 या हजारों की संख्या में हमारे कैदी भाई हैं, तो उनकी 1400 हमारे कैदी भाई हैं, तो जब तक 1400 ही हमको पेड़ लगाना होगा, पौधा लगाना होगा, पेड़ नहीं लगता है तब हम यहाँ पर एक ग्रीन जोन के रूप में और यहाँ शुद्ध हवा मिलेगा। क्योंकि आज यह जो प्रदूषण नामक शत्रु को मारने के लिए एक ही विकल्प है पौधारोपी मिसाइल, क्योंकि परमाणु बम से प्रदूषण खतरनाक है, आतंकवादियों से खतरनाक है, क्योंकि परमाणु बम छूटता है तो कोई उसका एरिया होता है वहीं नुकसान करता है, आतंकवादी क्रूरता दिखाती है तो 100-200 लोग मारे जाते हैं पर लेकिन प्रकृति क्रूरता दिखाती है तो सुनामी और उत्तराखंड त्रासदी जैसे आपदा में लोग के साथ साथ पशु पक्षी भी लाखों लाख के काल के गाल में समा जाते हैं, उसे बचाना है। तीसरा विश्व युद्ध जल संकट को टालना है और ऑक्सीजन संकट टालना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र को अपनाना होगा, तभी हम और आने वाले पीढ़ी को हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि सोचो साथ क्या ले जाओगे, 1 पौधा लगाओगे 7 पीढ़ी तक जाओगे, प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करें, आने वाला पीढ़ी के स्वच्छ वातावरण।